तो आईएनडी बैंक मर्चेंट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है यहां पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं सो डिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सिमेटली 5.41 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 के क्वार्टर एंड यह सप्टेंबर ट्वेंटी से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्समेटली फोर करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड डिसंबर ट्वेंटी क्वार्टर में अप्रोक्सिमेटली नाइन करोड़ का रेवेन्यू तो डिसंबर ट्वेंटी

में अप्रोक्सिमेटली सिक्स पॉइंट एट करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था तो अभी अगर मार्जिन तो निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली 41.83 एट पॉइंट सिक्स एट परसेंट एंडिसंबर निकल के आ रही है अप्रोक्सिमेटली थर्टी प्रॉफिट एट परसेंट के सॉरी थर्टी के सॉरी परसेंट के आसपास तो कंपनी कि जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर ट्वेंटी के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सिमेटली वन पॉइंट करोड का प्रॉफिट पोस्ट किया है सेप्टेंबर ट्वेंटी के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सिमेटली वन पॉइंट करोड का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन की क्वार्टर में अप्रोक्सिमेटली टू पॉइंट नाइन नाइन करोड का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था अब इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केस में नेगेटिव में निकल के आ रही है और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू की ई वैल्यू निकल के आ रही है पॉइंट की सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है पॉइंट की एंड डिसंबर 2021 ट्वेंटी वन की ई वैल्यू निकल के आ रही है 0.67 की तो कंपनी की जो ई की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है एंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट एंड ई की वैल्यूज़ है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है धीरे धीरे कम हो रही है एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो no डाउट एक या दो साल के अंदर अंदर ही इस कंपनी की जो प्रॉफिट के फिगर्स हैं वो नेगेटिव में जा सकते ई पी एस फिगर्स के साथ साथ मतलब एक से दो साल के अंदर अंदर अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो ये कंपनी लॉस मेकिंग बन सकती है तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ तीन जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ ये तीन जगह को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पर कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है तो कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो नेगेटिव में है एंड जिस हिसाब से कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है अगर ऐसे ही नेगेटिव ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रही तो हो सकता है एक से दो साल के अंदर ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाए तो अभी अगर ओवरऑल रिजल्ट के बारे में बात करें तो डिसंबर 2022 के टू जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आई है कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म की है इन डिसंबर ट्वेंटी की क्वार्टर तो कई दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं कईस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ